गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम ला रहे हैं आपके लिए एक सुनहरा दृश्य और सुनहरे लोकेशन। और ये लोकेशन है राजमहल का, गंगा घाट का। और ये पक्षी जो देख रहे हैं रामायण काल यानी हजारों करोड़ वर्ष पूर्व जब रामायण में इस पक्षी का जिक्र हुआ था तो उसमें रावण सीता माता को खा के लंका ले जा रहे थे कि इसी की प्रजाति ने लड़ के सीता माता को बचाया था, लेकिन बचा तो नहीं सके थे, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया था। जब राम भगवान खोजने के लिए निकले तो फिर उन्होंने उनको रास्ता बताया कि रावण नाम के शैतान ने आपकी बीवी को खा ले गया है, वो इस ओर गए हैं, आप जाए पर श्री राम माता सीता को लेते आए, क्योंकि वो एक दुष्ट रावण है जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में अपना हुकूमत और विनाश चाहता है ताकि राक्षस राज कायम हो सके। और इसके चलते पूरा पृथ्वी का जो वातावरण में खराब हो सकता है, सभी को जो जीने का अधिकार है उस अधिकार को बचाने के लिए आपको माता सीता के लाने के लिए जाना होगा। मैंने तब तक अपनी सांसें रोक रखी थी, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं अपना दम नहीं तोड़ूंगा, अब हमें जाने दीजिए। और इस तरह कहते हुए इसकी प्रजाति ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पेड़ पे गीत का इतना बड़ा साम्राज्य है, करीबन हजारों की संख्या में इन पेड़ों पे गीत है। और उनके बाद हम लोग आ गए, सामने में ही राजमहल रेलवे स्टेशन था। तो हम चहल कदमी के साथ जब राजमहल रेलवे स्टेशन पर घूमे, क्योंकि अभी हमको लग रहा है रेल तो चालू है लेकिन कुछ डैमेज होने के कारण काम अभी चल ही रहा है। देखिए, आपको दिखाई देता होगा बांस कुछ लगे हुए हैं जो मेन गेट है रेलवे का। और अभी हम उस क्षेत्र पे नहीं जाते हैं, रेलवे के द्वारा बनाया गया सौंदर्यीकरण की ओर हम मूव कर रहे हैं। तो आगे में रेलवे का अपना गार्डन है और आपको जान की खुशी होगी कि अभी सरकार सारे जगह, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे गार्डन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कन्वेंशन हॉल हो, सभी जगह ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हैं। इंजीनियर द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत पार्क है, इसमें कुछ जगह मिट्टी छोड़ा गया है, वहाँ एक मूर्ति बनाया गया है और यह मूर्ति माँ सरस्वती की है। बिना लिए माँ सरस्वती का मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस मूर्ति के आगे पीछे होते हुए मैं यहाँ पे दिखाया रहा हूँ कि इनकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाएगा राजमहल रेलवे स्टेशन को। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हुए फिर एक नए मूर्ति के पास पहुँचे। यहाँ पर भी मिट्टी के कुछ अंश और कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ताकि वातावरण साफ रहे। तो ये दो पक्षी के हैं, जब वो पक्षी का हम जिक्र कर रहे थे गिद्ध महाराज का, हमें लगता है उसी के आगमन के लिए बनाया गया है। चलिए, ये खुशी की बात है कि किसी को सम्मान देना पशु पक्षी। बहुत अच्छा इंजीनियर ने डिजाइन तैयार किए हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखिए बीच में चलने का जो पगडंडी है उसे टाइल्स से जोड़ दिया गया है और साइट में जो ईटा उठा के उसमें कवरिंग कर दिया है मिट्टी का, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और आ गए हम फिर तीसरा मूर्ति के पास,
ये एक आदमी का दिखाया गया है और सब मूर्ति में कुछ न कुछ राज छिपा है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, इसका नाम था फूल की क्रांति। इन क्रांति में बहुत सारे आदिवासी गैर आदिवासी लोगों ने अपनी बलिदानी दे दी और इन्हीं में से एक थे खेतौरी समाज के शहीद राजवीर सिंह और एक और थे खेतौरी समाज के खेतौरी शहीद हरदेव सिंह। आपको कुछ एक ऐसे मूर्ति मिले आज हमको कि उस मूर्ति में बुक था लेकिन सर नहीं था। ये मूर्ति का मीनिंग जब पूछे तो लोगों ने बताया कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने समाज में हो रहे अत्याचार और हो रहे प्रदूषित वातावरण को बदल सकते हैं। शिक्षा है तो साधन है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। देखे और रेलवे स्टेशन में भी बांस लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चालू है और कितना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इसी तरह के ब्लॉग के साथ हम आते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।